सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइस मेरे पास इतने कमेंट्स और इतने डीएम्स आ रहे थे कि भाई हाउ टू अप्लाई यूट्यूब ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल। तो भाई हम अपना YouTube पर ऑफिशियल YouTube आर्टिस्ट चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जिनको नहीं पता कि ऑफिशियल आर्टिस्ट YouTube चैनल क्या होता है उनको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी सिंगर का नाम YouTube पर सर्च करेंगे तो उसका इस तरीके से जो है वो YouTube पर अलग ही पैनल जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चार स्टेप्स बताता हूँ कि आपको ये चार स्टेप जरूर फॉलो करने हैं जब भी आपका यहाँ पर इस तरीके का जो है वो चैनल क्रिएट हो सकता है। तो पहला स्टेप मैं आपको बता दूं कि आपके मिनिमम जो है वो YouTube पर 3 ट्रैक्स यानी कि 3 सॉन्ग अपलोड होने जरूरी है। अगर आपके 3 सॉन्ग्स अपलोड नहीं होंगे तो ये आपका चैनल जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये होगा कि आपको 3 ट्रैक्स और या 3 सॉन्ग्स जो है वो YouTube पर अपलोड होने जरूरी है। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा ये है कि आपका YouTube पर एक टॉपिक चैनल भी होना जरूरी है। दोस्तों अब ये टॉपिक चैनल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर ये हमें कैसे मिलेगा YouTube पर, इसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले उसके पहले जो आपके प्रोसेस है, जो चीजें मेन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बताया कि आपके YouTube पर एक टॉपिक चैनल भी होना चाहिए और तीसरा आपको YouTube की जो पॉलिसीज होती हैं उनको वायलेट नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर फोर्थ बात कर लेते हैं हम अपनी, फोर्थ जो हमारा है, जैसा कि हमारा टॉपिक चैनल जिस नेम से YouTube पर होगा उसी नेम से आपका एक मेन चैनल भी YouTube पर होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये चार चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी है आपके YouTube ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल क्रिएट करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो टॉपिक चैनल है वो आपको YouTube पर कैसे मिलेगा या फिर उसके लिए भी कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपका एक टॉपिक चैनल नहीं होगा तो आपको आर्टिस्ट चैनल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि टॉपिक चैनल को YouTube जो है वो आपके आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट करता है। तो अब आपको भाई टॉपिक चैनल YouTube पर कैसे मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे भी आप अपना सॉन्ग अपलोड करते हैं आप उनकी भी हेल्प जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर आपने 3 ट्रैक्स या फिर 3 सॉन्ग्स अपने किसी भी वेबसाइट के थ्रू अपने म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए हैं तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो है वो यहाँ पर टॉपिक चैनल ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट जो है वो YouTube पर क्रिएट कर देती है। अब भाई बात आती है हम अपने टॉपिक चैनल को अपने आर्टिस्ट चैनल में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों इसके भी 2 तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहला तरीका तो यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर जिस भी वेबसाइट से आपने अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी की मदद ले सकते हैं। वो कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं कि आपको टॉपिक चैनल की जगह आर्टिस्ट चैनल भी बनाकर दे देती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं तो यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रोकिड से अगर अपना सॉन्ग अपलोड करेंगे, 3 ट्रैक्स अपने अपलोड कर देंगे यानी कि 3 सॉन्ग्स अपने यहाँ पर अपलोड कर देंगे उसी वेबसाइट से, और आपको ये चीज भी जरूर से ध्यान देनी है कि आप जिस भी वेबसाइट से अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर आपको 3 ट्रैक्स मेनली चाहिए ऑफिशियल यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल के लिए तो आपको एक ही डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से अपने जो है वो सारे ट्रैक्स जो है अपलोड करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप एक ट्रैक अलग वेबसाइट से अपलोड कर रहे हैं और दूसरा ट्रैक अलग वेबसाइट से अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 3 ट्रैक्स जो है वो आपको मिनिमम एक ही वेबसाइट से अपलोड करने हैं। दूसरा कि मैंने आपको जैसे कि बताया आप टॉपिक को आर्टिस्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेनी होगी। कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रोकिड में आपको एक अलग से ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप अपने ऑफिशियल यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल के लिए डिस्ट्रोकिड से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस आपको क्लिक करना होता है, आपको डिस्ट्रोकिड सारा काम कर दे देता है। और भी या फिर और मैनी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करा देती हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आपका टॉपिक चैनल है यूट्यूब पर तो आप यूट्यूब को मेल भी कर सकते हैं कि भाई टॉपिक चैनल हमें अपना आर्टिस्ट में कन्वर्ट कराना है। अब वो आपको कैसे करना है उसके लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मेल करना भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको जीमेल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से ओपन कर लेनी है, उसके बाद में आपको कंपोज के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जिनको मेल करना है यानी कि हमें अपनी सपोर्ट यूट्यूब टीम को मेल करना है तो उनका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर है artistsupport@youtube.com। तो आपको इस पर जो है वो आपको मेल करना है, ये एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अपनी, आपको इस पर ही जो है वो मेल कर देना है। अब आपको सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है अपग्रेड यूट्यूब चैनल टू ओ ए सी यानी कि ऑफिशियल आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल।
उसके बाद में हम कंपोज ईमेल पर जब क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो मैंने सारा पेस्ट किया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर क्या क्या है यह मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। हेलो आर्टिस्ट सपोर्ट टीम, आई एम एन आर्टिस्ट एंड टॉपिक टू गेट मोर ऑडियंस थ्रू यूट्यूब OAC प्रोग्राम। करंटली आई हैव माई मेन यूट्यूब चैनल नेम एज, यहाँ पर जो डॉट डॉट का साइन है यहाँ पर आपको अपने मेन यूट्यूब चैनल जिस नाम से है उसको यहाँ पर शो करना है। एंड टॉपिक यूट्यूब चैनल फॉर द सेम विच आई हैव माई ओरिजिनल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द, यहाँ पर थ्रू द के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के आगे जो डॉट डॉट है यहाँ पर आपको जिस भी वेबसाइट से आपने अपने ट्रैक्स अपलोड किए हैं उसका नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में फॉर दिस प्रोग्राम आई एम सपोर्टेड टू सबमिट लिंक्स टू माई ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च आई हैव डन, दोज लिंक्स आर लोकेटेड बिलो। यहाँ तक आपको ये सारा कॉपी कर देना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मेन चैनल का आपको नीचे लिंक देना है और टॉपिक चैनल का भी आपको यहाँ पर लिंक दे देना है अपने, और उसके बाद में आपकी जो तीनों ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो हैं यूट्यूब पर अवेलेबल उनके लिंक्स भी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर तीनों के लिंक दे देने हैं। उसके बाद में आई अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी एंड होप यू हियर फ्रॉम यू सून, थैंक यू। ये पूरा मेल आपको अपनी यूट्यूब टीम को यहाँ पर कर देना है। जहाँ जहाँ पर मैंने डॉट लिखा है, पहले वाले जहाँ पर डॉट है यहाँ पर आपको मेन चैनल जिस नाम से उसका नेम लिखना है, सेकेंड डॉट पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना है, उसके बाद मेन चैनल का लिंक, टॉपिक चैनल का लिंक, उसके बाद में अपनी यूट्यूब वीडियोज जो ऑफिशियल यूट्यूब वीडियोज हैं उनके यहाँ पर आपको लिंक दे देने हैं। ये मेल आपको करने के बाद उधर से एक रिप्लाई आएगा और 7 डेज के अंदर अंदर, पहले भी हो सकता है लेकिन 7 डेज मिनिमम अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके यूट्यूब जो टॉपिक चैनल है उसको कन्वर्ट किया है यूट्यूब ने या नहीं। आपको मेल कर आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी, और अगर आप उसका आपने उन्होंने आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आर्टिस्ट में कन्वर्ट कर दिया होगा तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, अगर आपने उनकी कोई भी पॉलिसी का वॉयलेशन नहीं किया होगा। और आपको मैं एक चीज़ और मेन बता दूं कि आपको इसके लिए अपने टॉपिक चैनल पर सब्सक्राइबर्स का कोई माइलस्टोन नहीं है कि भाई इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तो ही आपके चैनल को यहाँ पर आर्टिस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। चाहे आपके चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, चाहे फिर एक ही सब्सक्राइबर है, तो आप फिर भी उसको अपना यूट्यूब को आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आई होप यू गाइस जो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया ये आप सही से समझ चुके होंगे। और यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक भी जरूर से कर देना यार, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और चैनल पर अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो हमारी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पर रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, इसको भी जरूर से दबा दें क्योंकि आने वाली वीडियोज भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आगे भी ऐसे टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और क्योंकि कमेंट अगर आप करते हो तो कमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, जय हिंद और वंदे मातरम।